आटा लगाओ ना बाहर। स्वागत है और जयपुर पिंक सिटी में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग आए हैं अभी श्याम पराठा सेंटर, जहाँ पे भैया 15 रुपए में आलू गोभी का पराठा देते हैं, उसके साथ में सब्जी अचार और टमाटर की चटनी बढ़िया सी देते हैं। मतलब बहुत ही सस्ता दोस्तों, रीजनेबल रेट में भैया दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से इनका स्टॉल चालू हो जाता है, दिन के 2 बजे तक रहते हैं ये, और सब्जियाँ इनकी डेली चेंज होती है। तो देख ही होगा आपने क्या भीड़ लग रही है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं, बात करते हैं और इनके पराठे टेस्ट करते हैं। गरम है, छू के तो पहले देख है। सरोज यादव। अच्छा, और कितने टाइम से लगा रहे हैं हम? 2013 से। 2013 से क्या क्या देते हैं? पराठा, सब्जी, मिर्ची, अचार, पूरी। अच्छा, पराठा कितने में? 30 के। दो 30 रुपए में दो पराठे। प्लेन पराठे सादा, अभी आलू के। अच्छा, आलू के, आलू गोभी पराठा। आलू गोभी, आलू प्याज। आलू गोभी, आलू प्याज पराठा 30 रुपए में दो। और उसके साथ में सब्जी है, चटनी है, मिर्ची है, अचार है। अच्छा, सब्जी वगैरह भी सब देते हैं आप? अच्छा। बदलती रहती है भैया, डेली चेंज होती है, अलग अलग रोजी ना। अच्छा, भैया एड्रेस क्या है यहाँ का? एड्रेस है ये ओम फाटक, ओम फाटक पे। ओम फाटक, ओम फाटक, ओम फाटक। टाइम क्या रहता है भैया? चार 7 से 2। 7 बजे से 2 बजे तक। ऐसे बढ़िया भैया इनके पराठे? अच्छा है। अच्छा, सब्जी वगैरह भी पैक हो जाती है सब? ये आलू और गोभी का मसाला है? आलू गोभी का। एक पराठा भी दे देते हैं भैया? पाचे पाचे उड़े।
से दादा। फाइनली आपने देखा होगा श्याम पराठे पर क्या भीड़ लग रही है, और वहाँ पे आलू गोभी के पराठे देते हैं भैया 15 रुपए का एक पराठा है, जिसके साथ में सब्जी डेली चेंज होती है इनकी सब्जी, और ये टमाटर की चटनी है और ये मिर्ची का अचार है। तो मतलब आपने देखा ही होगा कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है इनके पराठों के लिए, और सुबह 7 बजे से ही भैया का स्टॉल चालू हो जाता है और एकदम चलता फिरता स्टॉल है दोस्तों, एकदम बनता ही रहता है इनका। सुबह 7 बजे से 2 बजे तक ही आपको मिलेंगे यहाँ पे बढ़िया तरीके से पराठे बहुत ही रीजनेबल रेट में। ये दोस्तों डोमपुरा गेट है और उसके सामने ये रामपुरा स्कूल है, उसके जस्ट सामने आपको श्याम पराठे सेंटर लग जाएगा। ये भैया का ठेला है, यहाँ पे आपने देखा कितनी भीड़ लग रही है। तो आप लोग एक बार जयपुर जब भी आए इनके यहाँ के पराठे जरूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।